नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर की फलक नाज पर आज सारे प्रदेश को नाज है। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय की रहने वाली फलक ने शहर के ही शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई कर हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रदेश में चौथा स्थान पाया है। फलक ने परिवार की तंग हालातों के बीच जमकर पढ़ाई की और उसने अपने परिवार सहित स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। फलक के पिता मजदूर हैं और मां निखरा नर्सिंग होम में नर्स की नौकरी करती हैं। बावजूद फलक को पढ़ाने में हमेशा से उनकी मेहनत काबिले तारीफ रही और यही वजह है कि आज उनकी लाडली ने वह कर दिखाया जिससे इस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और हमसे ज़्यादा इसमें जो हम श्रेय देना चाहेंगे वो हमारे पूरे स्कूल के टीचर्स को देना चाहेंगे और हमको इन टीचर्स के पहले जिन टीचर्स ने पढ़ाया है कन्याशाला तलापार स्कूल के, हम उन सारी मैडमों को भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके। खासतौर से हमारी विश्वकर्मा मैडम, शुक्ला मैडम, गुप्ता मैडम, हम उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे। क्या उम्मीद थी? जी बिल्कुल उम्मीद थी कि हमारा एमपी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा क्योंकि हमें खुद पर विश्वास था कि हम इतना कर सकते हैं। फलक रोजे से भी है और ऊपर वाले का शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। हमारी बेस्ट फ्रेंड ने भी हमारे लिए अजमेर में मन्नत मांग कर आई थी अल्लाह ताला से कि हमारा एमपी मेरिट लिस्ट में नाम लगे, तो वो पूरी हुई हमारी दुआ। हम इस बात के लिए अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। परिवार का क्या बैकग्राउंड, माँ क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं और अभावों के बीच में पढ़ाई? जी माँ हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हैं, छोटी सी जॉब है, और पापा हमारे मजदूरी करते हैं। परिवार में हम बैकग्राउंड में अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारी माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और कहीं ना कहीं हमारे पिताजी ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इन सबके बीच में कहीं आपको भी घर का काम करना पड़ता था तो? जी बिल्कुल, घर का पूरा काम हम ही किया करते थे क्योंकि हमारी मम्मी को टाइम नहीं मिल पाता था और हमें घर के काम करने के बाद बस अपने मन में बस एक चीज़ लगी रहती थी कि फलक अगर तुम इतने मिडिल क्लास फैमिली से हो तो कुछ करके बता दो। वो हम करना चाहते थे जो हमने कर दिया। और इसमें हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि हम जब पुरानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तब हमारा ये सपना था कि हम एक्सीलेंस में पढ़ें, भले ही वो गवर्नमेंट है। नाइन्थ क्लास में एडमिशन लिया था तभी से मन में एक बात ठान ली थी, हमें एमपी मेरिट लिस्ट में नाम लाना है। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।